हेलो गाइस, मैं हिमांशु सचदेवा और मैं हूँ लाइफस्टाइल आर्किटेक्चर लैब से। मेरी वेबसाइट है himanshusachdeva.com एंड मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ सुमेर सिंह राजपुरोहित के साथ आपको ये पॉडकास्टिंग फॉर बिगिनर्स कोर्स लाने के लिए। सो देखते रहिए। ये कोर्स 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5-5 मिनट का एक पार्ट है। सो टोटल 25 मिनट्स में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि पॉडकास्टिंग क्या है और आपको अपना पॉडकास्ट क्यों चालू करना चाहिए, पॉडकास्ट स्टार्ट करने का तरीका क्या है, सबसे फास्ट और इजी तरीका क्या है विदाउट किसी बजट। और इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसमें इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए रहता है और अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे करें। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप अपना फर्स्ट एपिसोड कैसे अपलोड कर सकते हैं एंकर पे और कैसे अपना पॉडकास्ट लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बोनस चीज़ें लाइक एनालाइज कैसे करें अपने स्टैट्स को और मोनेटाइज कैसे किया जाए और किस तरीके से पॉडकास्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो ये सब आपको मैं इस कोर्स में बताने वाला हूँ। 5 पार्ट का ये कोर्स है। ये पहला पार्ट है जो कि इंट्रोडक्शन और पहला लेसन जो कि पॉडकास्टिंग क्या है, एंकर ऐप क्या है और आपको पॉडकास्ट स्टार्ट क्यों करना चाहिए आज ही, इसके बारे में है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉडकास्ट है क्या। पॉडकास्टिंग एक मॉडर्न रेडियो की तरह है, जो कि जैसे हम ब्लॉग पोस्ट्स पढ़ते हैं वहाँ पे एक RSS फीड होता है। RSS फीड का मतलब है रियली सिंपल सिंडिकेशन, जिसको पहले रिच साइट समरी के नाम से भी जाना जाता था। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप कोई ब्लॉग पोस्ट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं तो जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं, जिन्होंने आपकी RSS फीड को सब्सक्राइब करके रखा है किसी भी रीडर ऐप में, वहाँ पे उनको ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉग पोस्ट मिल जाता है। सो सिमिलरली पॉडकास्ट में RSS फीड होता है, जो कि ब्लॉग के RSS फीड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज इसमें कुछ और भी एलिमेंट होते हैं जो कि पॉडकास्टिंग एप्लीकेशन को ही समझ में आ सकते हैं। लेकिन इसका लॉजिक वही है कि आप जिस भी ऐप में पॉडकास्ट सुनते हैं, उस ऐप में अगर आप RSS फीड ऐड कर देते हैं तो आप उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। आजकल जितने भी मॉडर्न पॉडकास्ट एप्लीकेशन हैं जहाँ आप सुन सकते हैं, वो एप्पल पॉडकास्ट की डायरेक्टरी से भी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहते हैं। सो आपको RSS फीड डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आजकल। पॉडकास्ट को बेसिकली पॉपुलर किया एप्पल के आईपॉड ने। जब आईपॉड आया था उस टाइम पे पॉडकास्ट इतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं थे, और जैसे ही आईपॉड में iTunes एप्लीकेशन दिया गया जिसमें पॉडकास्ट सेक्शन भी था, उस वक्त से लेकर आज तक पॉडकास्ट धीरे धीरे प्रचलन में आए और अभी बहुत ही ज़्यादा मार्केट में प्रचलित हो गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगा कि पॉडकास्ट और एपिसोड्स में क्या डिफरेंस है। एपिसोड बेसिकली एक एटॉमिक पार्ट है, लाइक पॉडकास्ट एक शो है और उस शो का एक पार्ट है एक एपिसोड। हर एक एपिसोड में आप कुछ नया बताते हैं, कोई नया इंटरव्यू करते हैं, कोई नई कहानी बताते हैं, बट उन अलग अलग एपिसोड्स को मिला के एक पॉडकास्ट शो बनता है। तो ये बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि एपिसोड और पॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है। सो ये डिफरेंस है पॉडकास्ट और एपिसोड में। आप जब भी बोलते हैं कि मैंने अपना पॉडकास्ट लॉन्च किया है, तो दैट मींस आपने अपना पॉडकास्ट शो लॉन्च किया है। और अगर आप पॉडकास्ट का एपिसोड अपलोड कर रहे हैं नया, तो आप बोलेंगे कि आज मैंने नया एपिसोड अपलोड किया है, ना कि पॉडकास्ट अपलोड किया है। तो ये क्लैरिटी आप अपने दिमाग में रखिएगा। और आगे बात करते हैं, आपको अपना पॉडकास्ट आज ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके से अपना पर्सनल ब्रांड या बिजनेस बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया में प्रचलित करना चाहते हैं और अपने बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, तो पॉडकास्टिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके साथ आप अपने बिजनेस को और अपने पर्सनल ब्रांड को बढ़ा सकते हैं। आज के टाइम पे पॉडकास्ट 1 बिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोड हो चुके हैं। ये अपने आप में ही एक माइलस्टोन है। सो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग पॉडकास्ट सुनते हैं। इंडिया में भी 2019 में 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने पॉडकास्ट सुना है। US की अगर आप बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है। वहाँ पे हर महीने 100 मिलियन से भी ज़्यादा पॉडकास्ट डाउनलोड्स किए जाते हैं।
सो वहाँ का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा है, और इसी कारण से इंडिया थोड़ा पीछे है पॉडकास्टिंग के मामले में, बट बहुत ही तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है अभी सिचुएशन में इन दिनों। तो जैसे जैसे धीरे धीरे पॉडकास्ट पॉपुलर होते जा रहा है इंडिया में भी, तो आपके ब्रांड, आपके पर्सनल ब्रांड, और अगर आप एक हॉबीस्ट हैं जिसको अपना स्टोरी टेलिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा मीडियम चाहिए, उसके लिए एक पॉडकास्टिंग चालू करना बहुत ही एक अच्छा जरिया है आपके लिए। तो अब बात करते हैं एंकर क्या है। सबसे अच्छा तरीका पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का, अगर आपके पास ज़्यादा बजट भी नहीं है, तो एंकर एक ऐप है जो कि अभी स्पॉटिफाई ने एक्वायर कर लिया है, उसको खरीद लिया है। बट ये ऐप न्यूयॉर्क में चालू हुआ था, और वहाँ पे पॉडकास्ट से प्यार करने वाले कुछ इन्वेंटर्स ने ये ऐप बनाया, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ढूंढा कि आप अपना पॉडकास्ट फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपलोड करके पब्लिश कर सकते हैं, स्टैट्स देख सकते हैं, और आपको एप्पल पॉडकास्ट, गूगल प्ले और अभी गूगल पॉडकास्ट्स और किसी भी ऐप पे जाके सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। एंकर ऐप आपके लिए सब करता है, रिकॉर्डिंग से लेकर अपलोडिंग और लॉन्चिंग ऑफ द पॉडकास्ट, उसके अलावा आपके फाइल्स होस्ट करना और आपके पॉडकास्ट को सब प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना, ये पांचों चीज़ें एंकर एक ही ऐप में कर देता है। पॉडकास्टर्स का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। हालांकि इसके ऊपर एक साइड में ये भी था कि पॉडकास्ट का ओनरशिप किसका रहेगा, इस पर थोड़ा ग्रे एरिया था, बट अभी वो एंकर ने क्लियर कर दिया है। आप अपने पॉडकास्ट के RSS फीड का ओनरशिप भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ईमेल भेजना पड़ेगा एंकर टीम को, और उसके बाद जैसे ही वो उनके RSS फीड में आपका ईमेल एड्रेस अपडेट कर देते हैं, आपको एप्पल सपोर्ट पे जाके अपने पॉडकास्ट का ओनरशिप अपने नाम पे, अपने ईमेल आईडी पे ट्रांसफ़र करके ले लेना है। तो इस तरीके से अभी वो ग्रे एरिया भी हट गया है। तो एंकर एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल भी ला रहा है, जिस तरीके से यूट्यूब में एड्स के थ्रू मोनेटाइजेशन होता है, सिमिलर वे में एंकर भी ये सिमिलर मॉडल लेके आया है, जो कि अभी US में ऑलरेडी इनेबल कर दिया गया है, बट इंडिया में अभी इसको आने में वक्त है, बिकॉज उनका जो पेमेंट प्रोसेसर है स्ट्राइप पेमेंट्स, वो अभी इंडिया में नहीं आया है, और जैसे ही इंडिया में वो आ जाएगा आने वाले कुछ महीनों में, तो एंकर का पेमेंट प्रोसेसिंग और मोनेटाइजेशन भी इंडियन और दूसरे कंट्रीज़ के लिए चालू कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये है एंकर ऐप आपके लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा इजी तरीका है पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, अगर आपके पास कम बजट है, अगर आपके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है बट आपके पास अपना फ़ोन है, तो आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस लेसन की समरी ये है कि पॉडकास्ट है क्या, पॉडकास्ट और एपिसोड्स में क्या डिफरेंस है, और आपको आज ही अपना पॉडकास्ट स्टार्ट क्यों करना चाहिए, और एंकर ऐप क्या है, एंकर ऐप कैसे सबसे अच्छा तरीका है, इजी तरीका है विदाउट बजट और कम बजट पे पॉडकास्ट चालू करने का, एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। सो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए इसके लिए, और आप अपना रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं और अच्छा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में।